अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर नंबर 4। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसा मेथड होता है जिसके जरिए से साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं किसको, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, हमें पता है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं हमारे अर्थ पे। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि हमारे अर्थ पे तकरीबन 10 मिलियंस मौजूद हैं, जिसमें से 2 मिलियंस ऐसे हैं जिनको साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जानते हैं। तो इतने सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करने का जो मेथड होता है उसको हम क्या कहते हैं, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे कि वर्ड सजेस्ट कर रहा है बायोनोमियल, बायो का मतलब होता है टू और नोमियल का मतलब होता है नेम्स, यानी कि दो नेम्स दिए जाते हैं किसको, स्पीशी को। ठीक है, जिस किसी का स्पीशी का हम साइंटिफिक नेम रखने जा रहे हैं उस स्पीशी को कितने नाम दिए जाते हैं, टू नेम्स दिए जाते हैं स्पीशी को। जो फर्स्ट नेम होता है वो उसका जीनस नेम होता है। ठीक है, फर्स्ट नेम उसका जीनस नेम होता है और जो सेकंड नेम होता है वो उसका स्पीशी नेम होता है। अभी हम किसी एक एग्जांपल को भी पढ़ेंगे कि किस तरह से जो साइंटिफिक नेम है वो दिए जाते हैं। ठीक हो गया, सेकेंड नेम उसका स्पीशी नेम होता है। अब जो फर्स्ट नेम होता है वो जीनस नेम है, सेकंड नेम स्पीशी नेम है, तो ये दोनों नेम मिलके बनाते हैं साइंटिफिक नेम। ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का मेथड आया कहाँ से, हमने पढ़ा था एक साइंटिस्ट के बारे में जिसका नाम था कार्लस लीनियस। ये जो साइंटिस्ट था कार्लस लीनियस, इसने थ्री किंगडम वाला सिस्टम पेश किया था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अब ये जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पेश किया, इसके साथ साथ उसने ये जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देने का तरीकेकार है या मेथड है उसके बारे में भी बताया था, उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इसने बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको साइंटिफिक नेम्स प्रोवाइड किए थे, बताए थे, और वही साइंटिफिक नेम्स आजकल हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अच्छा जी, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर साइंटिफिक नेम्स जो दिए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उनको देने के कुछ रूल्स हैं, यूनिवर्सल रूल्स, जिन रूल्स को फॉलो करते हुए हम जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो दिए जाते हैं किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। जो फर्स्ट रूल ये है कि जो साइंटिफिक नेम्स जो यूजली प्रिंट में होते हैं वो इटैलिक्स में लिखा जाता है। ठीक है, साइंटिफिक नेम्स को यूजली किस में लिखा जाता है, इटैलिक्स में। इटैलिक्स लैंग्वेज में जब भी किसी चीज़ को लिखा जाता है वो थोड़ी सी टेढ़ी लिखी जाती है। ठीक है, जैसे कि जो ह्यूमंस हैं उनका साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस, जब इसका प्रिंट आउट निकलेगा या जब हम इसको टाइप वगैरह करेंगे तो कौन सी लैंग्वेज में करेंगे, इटैलिक्स में, तो ये थोड़ा सा हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा टेढ़ा। लेकिन आप ये देखें कि जब हम हैंड रिटन लिखते हैं तो हमें इस तरह से लिखना हमारे लिए क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए उन्होंने एक और तरीकेकार बताया कि अगर हैंड रिटन लिखे जा रहे हैं साइंटिफिक नेम्स तो वो हम सीधे लिखेंगे, जैसे कि हमारी जो लिखने की हमारी राइटिंग है वो इस तरह से लिखेंगे, और लिखने के बाद हम क्या करेंगे उसको अंडरलाइन कर देंगे, जिससे पता चल जाएगा कि किसी भी स्पीशी का क्या है, साइंटिफिक नेम है। अब जैसे कि हमें पता है कि जो फर्स्ट नेम होता है हमेशा वो कौन सा नेम होता है, जीनस, और जो सेकेंड नेम होता है वो कौन सा नेम होता है, स्पीशी। तो जो फर्स्ट नेम होता है वो हमेशा जीनस नेम का फर्स्ट वर्ड हमेशा कौन सा होता है, वो होता है हमेशा कैपिटल वर्ड, जैसे कि आपको यहाँ पे एच कैपिटल नजर आ रहा है, इसके बाकी सारे स्मॉल वर्ड्स होते हैं। लेकिन जो स्पीशी नेम होता है वो कौन सा होता है, वो हमेशा स्मॉल वर्ड्स में लिखा रहता है, उसमें कोई भी वर्ड कैपिटलाइज नहीं किया जाता है। ठीक है, थर्ड इसका रूल क्या है जी, साइंटिफिक नेम्स प्रोवाइड करने का। नेक्स्ट रूल ये है कि जब एक ही जीनस की बहुत सारी स्पीशीज़ को बार बार इस्तेमाल किया जाता है तो होता क्या है कि जो फर्स्ट नेम होता है उसको शॉर्ट फॉर्म या एब्रिविएटेड फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे होमो सैपियंस है तो होमो सैपियंस को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एच डॉट सैपियंस, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये कुछ रूल्स हैं किसको, साइंटिफिक नेम्स प्रोवाइड करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। अब यहाँ पे ये बात एक माइंड में हमारे आती है कि ये जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है इस मेथड को क्यों इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, क्यों कहा, इसकी ज़रूरत पेश आई कि हम जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है ये मेथड इंट्रोड्यूस करवाएं। तो सबसे पहली बात ये है कि हमारे में पता है कि तकरीबन 10 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पे मौजूद हैं, और उन सब 10 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम हर जगह पे सेम नहीं है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम जो हैं वो यहाँ पे हमारी अगर नेटिव लैंग्वेज को देखा जाए तो पंजाबी में हम उनको कुछ और तरीके से बोलते हैं, उर्दू में कुछ और तरीके से बोलते हैं, इंग्लिश में उनको कुछ और तरीके से बोला जाता है। इसके अलावा जितनी भी जुबानें होती हैं हर जुबान में जो वर्ड है वो मुख्तलिफ तरीकों से बोला जाता है। अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें
तो हमारा जो पाकिस्तान है उसमें अगर वर्ड है प्याज तो उर्दू में उसको प्याज बोला जाता है, लेकिन डिफरेंट रीजन्स है पाकिस्तान में जहाँ पे प्याज को जो है वो गांडा भी, बैसल और वैसल भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अनियन को फिर साइंटिफिक नेम या प्याज को अनियन उसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे चार पांच नेम तो यहीं पे हो गए, तो इसकी वजह से कन्फ्यूजन हो सकती है कि एक ही चीज़ पे इतने सारे नाम, तो उसको एक यूनिवर्सल नाम दे दिया जाए ताकि हर जगह पे वो नाम पहचाना जा सके, ठीक हो गया। इसीलिए फिर उस अनियन को कौन सा नाम दिया गया, उस अनियन को साइंटिफिक नेम दिया गया, और वो साइंटिफिक नेम क्या था जी, एलियम सीपा। अब जहाँ कहीं भी एलियम सीपा लिखा जाएगा तो पता चल जाएगा जी ये जो एलियम सीपा है ये क्या है, ये एक साइंटिफिक नेम है किसका, अनियन का। पूरी दुनिया में इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। तो किसी साइंटिफिक नेम इसलिए प्रोवाइड किए गए कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नाम दे दिया जाए और वो नाम दुनिया के हर कोने में भी एक ही नाम चलता रहे, उसको पहचाना जा सके। क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी जुबानें हैं, और हर जुबान में हर चीज़ को डिफरेंट तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है, बोला जाता है। तो एक नाम देने के लिए कि हर जगह पर पहचाना जाए, साइंटिफिक नेम देने की ज़रूरत पेश आई। ये वाला हमारा टॉपिक था बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट हम जो अपना टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज से रिलेटेड। आपको दो टर्म्स बोर्ड पे लिखी हुई नजर आ रही होंगी। जो फर्स्ट टर्म है वो है जी एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन सी स्पीशीज होती हैं, ऐसी स्पीशीज जो कि अब हमारे इकोसिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती, उनको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। क्या हम कैसे लिख सकते हैं इसको, द स्पीशीज विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन आवर इकोसिस्टम। ऐसी स्पीशीज जो कि हमारे इकोसिस्टम में अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं, अब मौजूद नहीं हैं, उनको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। जब से दुनिया स्टार्ट हुई है बहुत सारे ऐसे नेचर में एनिमल्स, प्लांट्स, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस करवाए अल्लाह ताला ने, लेकिन वो सारे के सारे जो हैं वो नेचर में अब मौजूद नहीं हैं। उनमें से बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि अब ख़त्म हो चुकी हैं। इनके ख़त्म होने की बहुत सारी वजूहत हैं जो कि हम पढ़ेंगे, लेकिन ऐसी स्पीशीज़ जो कि अब हमारे इकोसिस्टम में या हमारी वर्ल्ड में या अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करते, उनको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। इसकी सबसे जो सिंपल एग्जाम्पल है वो है डायनासोर्स की। डायनासोर्स के बारे में तो आप सबको पता होगा कि जो डायनासोर्स होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था कि डायनासोर्स एक ऐसी स्पीशीज है जो कि हमें मिलती होती थी पहले ज़माने में। उसके हमने कुछ बाकियात के बारे में पढ़ा, लेकिन डायनासोर्स अब जो है वो हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसी स्पीशीज जिसका जो लास्ट इंडिविजुअल है वो भी दुनिया में मौजूद ना रहे, उनको हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी स्पीशीज होती हैं, ऐसी स्पीशीज जो कि ख़त्म होने के करीब होती हैं या फिर एक्सटिंक्ट होने के करीब होती हैं, उनको हम कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज, जो कि होती हैं एट अ रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि वो ख़त्म होने के करीब होती हैं, यानी अभी उनकी लास्ट इंडिविजुअल्स कुछ बाकी होते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुई भी, लेकिन उनके अगर उनको कंजर्व नहीं किया गया या उनका ख्याल नहीं रखा गया तो उनकी जो स्पीशीज़ है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इसमें जो सबसे सिंपल एग्जांपल है वो दी जाती है किसकी, पांडा की, कि पांडा जो है वो एक ऐसी स्पीशी है जो कि ख़त्म होती जा रही है, इसके कुछ बस इंडिविजुअल्स बाकी रह गए हैं। तो अब इसी वजह से ये जो पांडा है इसको काफ़ी इसका ख्याल रखा जाता है कि ये जो पांडा है ये दुनिया से ख़त्म ना हो। तो बेसिकली एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ वो होती हैं जो कि जिनका एक भी इंडिविजुअल दुनिया में बाकी नहीं रहा और वो हमारे इकोसिस्टम से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हुई हैं, जैसे कि डायनासोर्स। और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी स्पीशीज़ होती हैं, ऐसी स्पीशीज़ जो कि रिस्क पे होती हैं एक्सटिंक्शन के या ख़त्म होने वाली होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़, जैसे कि हमने इसमें एग्जांपल पढ़ी पांडा की। अब आपकी बुक में कुछ इंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ हैं उनके नाम बताए गए हैं, वो कौन कौन सी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जिनके नाम बताए गए हैं, वो हैं जी सबसे पहले है इंडस डॉल्फिन जो है ये ऐसी स्पीशीज हैं जो कि मौजूद होती थी इंडस रिवर के अंदर। कहाँ मौजूद होती थी, इंडस रिवर के अंदर। कहा यह जाता है कि ये जो इंडस डॉल्फिन है ये इसकी तकरीबन 600 स्पीशीज रह गई हैं इंडस रिवर के अंदर, और वजह क्या बनी है इनके इंडेंजर्ड होने की, वजह ये बनी है कि इनका जो हैबिटेट है वो ख़त्म होता जा रहा है। इसके अलावा पानी में पोल्यूशन के बढ़ने की वजह से ये जो स्पीशीज़ है वो ख़त्म होती जा रही हैं। इसके अलावा एक और थी जो दी गई आपकी बुक में, वो कौन सी स्पीशीज़ हैं, वो है जी मार्को पोलो शीप। मार्को पोलो जो शीप्स हैं ये खंजराब नेशनल पार्क में पाए जाते थे, लेकिन अब जो है वो रैपिडली इनका नंबर इंक्रीज़ होता जा रहा है, यानी ये भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में काउंट होना शुरू हो गई हैं।
और इसके बाद लास्ट में जो दी गई है वो है हुबारा बस्टर्ड। हुबारा बस्टर्ड बच्चों बेसिकली एक बर्ड है जो कि सर्दियों के टाइम पे पाकिस्तान वाली साइड पे आता है। अब इस बर्ड का इतना ज़्यादा शिकार किया गया, इसकी इतनी ज़्यादा हंटिंग की गई कि ये भी नियर क्या हो गया है एक्सटिंक्शन, यानी कि ये भी अब इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में काउंट होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये कुछ नेम्स बताए गए हैं जैसे कि पांडा हो गया, इंडस डॉल्फिन जो है वो, मार्को पोलो शीप और हुबारा बस्टर्ड जो कि इंडेंजर स्पीशीज़ हैं जो कि रिस्क में एक्सटिंक्शन के, इनके कुछ इंडिविजुअल्स बाकी रह गए हैं। तो बच्चों इतनी सारी स्पीशीज़ जो हैं वो मौजूद हैं अर्थ पे और उनमें से इतनी सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं, इंडेंजर्ड हो रही हैं। तो क्या वजूहत है इन स्पीशीज़ के एक्सटिंक्ट होने की या इंडेंजर्ड होने की, हम पढ़ेंगे अब कुछ वजूहत। सबसे पहली जो वजह है वो जी है सबसे बेसिक, वो है हैबिटेट लॉस। हैबिटेट बच्चों किसको कहते हैं, कोई भी ऐसी नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर जगह जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, जैसे कि हमारा जो हैबिटेट है वो हम लैंड पे रहते हैं, ठीक है, अपने घर बना के हम इंसान रहते हैं वो हमारा हैबिटेट है। इस तरह से बहुत सारे परिंदे और जो जानवर हैं वो क्या रहते हैं, जंगलों वगैरह में रहते हैं, दरख्तों में रहते हैं, बिलों में रहते हैं, वो उनका क्या होता है, हैबिटेट होता है। तो हैबिटेट जो है लॉस, इसकी बहुत सारी वजूहत है, जो उनका जो घर है वो ख़त्म हो रहा है। देखिए अगर हमें हमारे घर से निकाल दिया जाए तो हमारा सर्वाइवल कितना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं उनका, वो जो स्पीशीज़ हैं उनके जो घर हैं उनको तबाह किया जा रहा है और इस वजह से उनका सर्वाइवल क्या होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। अब हैबिटेट लॉस बेसिकली हो किसकी वजह से रहा है, जो हैबिटेट लॉस है वो बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, जो हम इंसानों की एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, इसकी वजह से। अब बेसिकली हम करते क्या हैं, हम जो है वो बगैर सोचे समझे दरख्त काट लेते हैं, इसके अलावा जो दरख्त काट लिए, जो हैबिटेट है जानवरों का उसको तबाह कर दिया, अपनी बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो हैबिटेट लॉस हो रहा है किसका, एनिमल्स का, जिसकी वजह से जो स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है। सेकंड वन जो है वो है जी डीफॉरेस्टेशन। डीफॉरेस्टेशन क्या होता है, डीफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जी, फॉरेस्ट का मतलब आपको पता है वो ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे दरख्त लगे हुए होते हैं उसको फॉरेस्ट कहते हैं, और डी का मतलब होता है दरख्तों का काटना। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो डीफॉरेस्टेशन है, दरख्तों को काटना है, वो किसकी एक्टिविटीज़ है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। हम इंसान जो हैं वो क्या करें, दरख्तों को काटते हैं बहुत सारी अपनी ज़रूरियात के लिए, दरख्तों को काटते हैं। तो इन दरख्तों के काटने की वजह से जो बहुत सारे जानवरों का हैबिटेट है, बहुत सारे परिंदों का हैबिटेट है, जैसे कि वो नेस्ट में रहते हैं घोंसलों में, किसके ऊपर, दरख्तों के ऊपर बना के, बिलों में रहते हैं, बिल किस में बनाते हैं, दरख्तों के अंदर बनाते हैं, दरख्तों के साथ जगह होती है वहाँ पर बिल बनाते हैं, तो उनकी वजह से उनका जो हैबिटेट है वो तबाह हो रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, और वहाँ पे उनकी एक्सटिंक्शन के चांसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है ओवर हंटिंग। हंटिंग का मतलब क्या होता है, शिकार करना। ओवर हंटिंग यानी कि हद से ज़्यादा किसी चीज़ का शिकार करना, ठीक है, ओवर हंटिंग की वजह से। अब बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम जिनको हंट करते हैं तो उनको अपने खाने पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे परिंदे और जानवरों का शिकार करके उनको खाने पीने के लिए क्या किया जाता है, ज़रूरियात को पूरा करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर किसी एक जानवर का बहुत ज़्यादा शिकार शुरू हो जाए दुनिया में तमाम जगहों पे, तो उस जानवर के ख़त्म होने के ज़ाहिर है चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो किसी भी स्पीशीज़ को की जो हंटिंग है वो एक हद तक होनी चाहिए, अगर वो ओवर हंट होना शुरू हो जाएगा तो उसके एक्सटेंशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, उसके एक्सटेंशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉज है वो क्या है जी, वो है इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज। देखिए हमारे इन्वायरमेंट में वो हमारे जो मतलब इलाके हैं, हर इलाके की मुनासबत से उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसके इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग, उसकी हालात के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग, उसके क्लाइमेट और वेदर के अकॉर्डिंग वहाँ पे कोई भी स्पीशी मौजूद होती है, ठीक है। अगर उसको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो वो वहाँ पे रहती है, सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं होता तो किसी और दुनिया के किसी हिस्से में जहाँ पे उसको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है वहाँ पे वो चली जाती है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें कि अल्लाह ताला ने जो जिस तरह से चीज़ों को बनाया है, नेचुरली चीज़ों को बनाया है, उसके खिलाफ जाना शुरू कर देंगे, अपनी मर्ज़ी से जो है वो स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर देंगे या रिमूव करना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि तो बच्चों जब हम कुदरत के खिलाफ जाना शुरू हो जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं या अपनी मर्ज़ी से स्पीशीज़ को रिमूव करवाते हैं, तो उसकी वजह से भी इनके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक सी स्टार या जिसको हम स्टार फिश कहते हैं, वो ओशन या सी के अंदर रहती है और वहाँ पर वो क्या करती है, एक एनिमल जिसको म्यूसल्स कहते हैं उसको ईट करती है। अब वो जो है वो म्यूसल्स को खाती है, तो म्यूसल्स होते हैं वो आगे से बहुत सारे जो छोटे छोटे एनिमल्स उनको खाते हैं,
तो ये स्टार फिश इनको कंज्यूम कर देती है ताकि ये बाकी जानवरों को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन अगर हम स्टार फिश को ओशन या सी में से खत्म करना शुरू कर दें, उनको निकालना शुरू कर दें, उनको वहां से खत्म करना शुरू कर दें, तो होगा क्या कि वो जो मिजल्स हैं, वो जितने भी छोटे छोटे जानवर ओशन और सी में हैं, उनके सर्वाइवल के लिए क्या बन जाएंगे, खतरा बन जाएंगे। तो इसमें हम रिमूव नहीं कर सकते, नेचर ने जो चीज़ें प्रोड्यूस की, हम जो किसी जगह पर रखी हैं उनको वहाँ से हम हिला नहीं सकते, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान होना शुरू हो जाते हैं। सेकेंड जो मैं आपको बताती हूँ कि जो यूकेलिप्टस पौधा है, जिसको आप जो है वो सफ़ेदे का पौधा भी कहते हैं, वो जो है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट करके पाकिस्तान में लाया गया था। अब होता क्या है कि वो जो पौधा जिस जगह पर होता है वो पानी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। अब जब पानी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो हमारे एरियाज में वैसे भी पानी की बहुत कमी है, तो होता क्या है कि जहाँ पे वो लगाया जाता है तो आसपास के जितने भी पौधे होते हैं उनको पानी नहीं मिलता, तो उन पौधों के ख़त्म होने के क्या होते हैं, चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने नेचर में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की, उसका जो एनवायरनमेंट था ऑस्ट्रेलिया में वो उसके लिए सूटेबल था, लेकिन यहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो उसके लिए सूटेबल नहीं है, और यहाँ पे इर्द गिर्द के फिर जितने भी प्लांट्स हैं उनके लिए भी सूटेबल नहीं है। तो कोई भी हम जो स्पीशी है वो अपनी मर्जी से जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं, रिमूव करते हैं उसको किसी जगह से, तो वो भी बहुत सारे स्पीशीज़ के एक्सटेंट होने के लिए खतरे का बायस बन सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉज है वो है पोल्यूशन। जो पोल्यूशन है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है किसकी, स्पीशीज़ के एक्सटेंट होने की वजह से। ठीक है, अब पोल्यूशन कौन सी हो सकती है, एयर पोल्यूशन भी हो सकती है, वाटर पोल्यूशन भी हो सकती है। अब पानी के अंदर जितनी भी स्पीशीज़ मौजूद हैं, अगर वहाँ पे कर लिया जो प्लास्टिक वगैरह जाके फेंक देते हैं, तो ये प्लास्टिक तो ऐसी चीज़ है जो कि डिग्रेड तो होती नहीं है, ख़त्म होती नहीं है, बल्कि ये वैसी की वैसी रहती है। तो ये वहाँ पे उनके जब वो सांस लेते हैं या जब वो खाने के लिए मुँह खोलते हैं तो उनके अंदर जाके उनकी बॉडीज़ के अंदर फंसना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। तो ये जो वाटर पोल्यूशन है, इसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज़ जो हमारे वाटर के अंदर मौजूद थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई हैं, और एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे ऐसे बर्ड्स और परिंदे थे जो कि हवा में उड़ते हैं, एनिमल्स हैं, बहुत सारे सांस लेते हैं, एयर पोल्यूशन की वजह से उनके एक्सटिंक्ट होने के भी खतरा बढ़ता जा रहा है। लास्ट हमारा जी है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज यानी कि जो हमारा वेदर चेंज है उसकी वजह से भी बहुत सारे जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। वेदर हमारा दिन ब दिन हार्श होता जा रहा है, अगर गर्मी है तो बहुत सख्त गर्मी होती जा रही है, और सर्दी होती है तो बहुत सख्त सर्दी होती है। अब कोई भी जो एनिमल है वो किसी एक स्पेसिफिक क्लाइमेट या फिर जो वेदर है उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट उसकी होती है, ठीक है, उतना ही वो कर सकता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर ठंड मिलेगी या गर्मी मिलेगी तो उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी, और जिसकी वजह से उनके एक्सटिंक्ट होने का खतरा हो जाएगा। तो ये कुछ कॉजेज थी किसकी, स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन की, कि स्पीशीज़ जो है वो दुनिया से क्यों ख़त्म होती जा रही हैं, उनका जो सर्वाइवल है वो क्यों कम होता जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने दो टॉपिक्स को कवर किया, एक था बायनोमियल नोमेनक्लेचर को और दूसरा एंडेंजर्ड और इन एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के बारे में हमने पढ़ा कि वो क्या होती हैं, उनके कौन कौन सी ऐसी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में हैं, और इसके अलावा कॉजेज़ क्या हैं स्पीशीज़ एक्सटेंशन की। जो आपके पास नोट्स मौजूद हैं, तो आज जो क्वेश्चन हमने जिस लेक्चर में कवर किए हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लेक्चर में कवर किया है वो है 15, क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर इज द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 16 था, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन सी होती हैं, अ स्पीशीज दैट नो लॉन्गर लिव्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज, फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स। इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती हैं, अ स्पीशीज कॉल्ड इंडेंजर्ड व्हेन इट इज एट अ रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन अ नियर फ्यूचर, फॉर एग्जाम्पल पांडा। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, 15 और 16 के अलावा क्वेश्चन आपके हैं 21, नेम इंडेंजर्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कौन से इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, इंडस डॉल्फिन है, मार्को पोलो शीप है, होबारा बस्टर्ड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन, स्पीशीज एक्सटिंक्शन की वजह क्या है, हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, ओवर हंटिंग, इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज, पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन। बच्चों ये हमारा आज के टॉपिक से जो हमने कवर किए, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।